बड़ी खबर बीजापुर से हमारे पास आ रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। घटनास्थल से एक पाइप बम और कुकर बम बरामद किया गया है। दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई है। पामेड़ थाना क्षेत्र के रासपल्ली और एरापल्ली के जंगल का मामला बताया जा रहा है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता दंतेश्वर। दंतेश्वर, जानना चाहेंगे बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, ताजा अपडेट क्या मिल पा रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, एरिया डोमिनेशन के जवान यहाँ पे एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत यहाँ पे जिला बल और कोबरा के कोबरा बटालियन के जवान रिसर्चिंग पर निकले हुए थे, जिसने एंटी नक्सल ऑपरेशन के अगेंस्ट में यहाँ से वापसी के दौरान एरापल्ली और रासपल्ली के बीच के घात लगाए बैठे हुए नक्सलियों ने पहले जवानों पर फायरिंग किया। उसके बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जब जवाबी कार्रवाई की तो उस पर एरिया के सर्चिंग के दौरान में टिफिन बम, कुकर बम, प्रेशर बम और सहित कई अन्य दैनिक सामग्रियां भी बरामद की गई। खबर आ रही है कि अब तक कोई हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लगातार अभी सर्चिंग जारी है। और साथ ही बताया जा रहा है कि ये जो बम जितने भी बरामद है, कोई बड़ा कैडर ही बताया जा सकता है कि इसमें लगभग जिस सर्चिंग के दौरान जो सामग्रियां बरामद हुई है, कोई बड़ा कैडर ही माना जा सकता है, जिससे जवानों को जो सफलता मिली है, यहाँ पे जो दैनिक सामग्रियां जो बरामद हुई है, ये एक बड़ा टास्क माना जा सकता है। जी दंतेश्वर, अगर बात की जाए, जैसा कि आपने बताया कि ये जो मुठभेड़ चल रही है अभी भी जारी है, अगर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की बात की जाए, क्या उनके बयान अभी तक निकलकर सामने आए हैं? जी, जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो बताया जा रहा है, जब एरिया डोमिनेशन के दौरान जब वहां से जवान जब सर्चिंग से वापस लौट रहे थे तो उस वक्त नक्सलियों के द्वारा जवानों पर फायरिंग किया गया। जवानों को फायरिंग करते थे, फिर जब जवानों ने मोर्चा संभालते हुए जब वापसी कार्रवाई की तो उसके बाद नक्सली भाग खड़े हुए, जिसमें काफी सर्चिंग के दौरान काफी दैनिक सामग्रियां बरामद हुई थी। लेकिन अब तक कोई और कोई अपडेट वहां से अब तक नहीं निकल कर आई है, जिससे जिसके बाद नक्सली भाग खड़े हुए। उस वक्त अब इलाके में पूरी सर्चिंग जारी है। जी चलिए, जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है।